अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके सदन की सेंस लेके इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि वो वही हो रहा है जिसकी हमें शंका थी। मेरे साथी मुझसे कह रहे थे कि तुम पहल मत करो चर्चा की, ये खुद बोलेंगे और तुम्हें सुनने नहीं देंगे, लेकिन मुझे विश्वास था कि नहीं, पहले दिन से मैं इस कोशिश में हूँ कि इस पर चर्चा हो जाए ताकि मैं अपनी बात कह सकूँ। पहले ही दिन दोनों सदनों में मैंने कह दिया था कि मैं बोलना चाहती हूँ, अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूँ, लेकिन चर्चा स्वीकारी नहीं गई। मुझे लगा कि सत्र समाप्ति से एक दिन पहले दोबारा कोशिश करके देख लूँ, और हालांकि आपने स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया था तो भी मैंने आपसे निवेदन किया और आपने कहा मैं हाउस की सेंस ले लेती हूँ, और उसके बाद आपने इसको स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छे से चर्चा चल रही थी, हमने खड़गे जी की पूरी बात सुनी। मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि ये मेरी भी बात सुने। ये नारा लगा रहे हैं वी वांट जस्टिस, जस्टिस तो मैं मांग रही हूँ। आपने जो आरोप लगाया उसके बारे में अगर आप मेरा उत्तर ही नहीं सुनेंगे तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा अध्यक्ष जी? इसलिए ये शोर करते रहें तो भी मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। अध्यक्ष जी, खड़गे जी कह रहे थे कि मेरी इन्वॉल्वमेंट भी है और मेरा एडमिशन भी है, और वो कह रहे थे, मैं बार बार कहती हूँ मैंने गलती नहीं की। मैं आज भी कहती हूँ अध्यक्ष जी, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं दोहराती हूँ इस बात को, जिसको वो एडमिशन कह रहे हैं वो आपके सामने किया था मैंने एडमिशन। क्या कहा था कि अगर एक ऐसी महिला की मदद करना जो भारत की नागरिक है, जो 17 वर्षों से कैंसर से ग्रस्त है, जो किसी अपराध में लिप्त नहीं है, जिसके खिलाफ कोई केस नहीं है और ऑपरेशन कराने के लिए पुर्तगाल जा रही है, वो ऑपरेशन जीवन घातक है, अगर उस महिला की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह कबूल करती हूँ, ये मैंने कहा था। उसे मेरा एडमिशन ऑफ गिल्ट कह रहे हैं ये? जरा पढ़ें उसको कि क्या कहा था मैंने। और जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देना या दिलवाना, ये तो मेरे विचाराधीन ही नहीं था। मेरे विचाराधीन तो कोट अनकोट इतना सा विषय था कि अगर ब्रिटिश सरकार उसको यात्रा दस्तावेज दे देती है, देने का फैसला कर लेती है, तो क्या हम दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे? उस पर मैंने कहा जो मौखिक संदेश भिजवाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड एग्जामिन द रिक्वेस्ट ऑफ ललित मोदी एज पर ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन। इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट चूजेस टू गिव ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू ललित मोदी दैट विल नॉट स्पॉइल आवर बायलेटरल रिलेशंस। और यही उन्होंने किया भी। मैंने उस दिन यूके होम ऑफिस का एक संदेश पढ़कर सुनाया था, जिसमें यूके होम डिपार्टमेंट ने कहा, द यूके होम डिपार्टमेंट ऑन मंडे क्लेम ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स इश्यूड टू फॉर्मर आईपीएल बॉस ललित मोदी टू ट्रेवल टू पोर्चुगल टू असिस्ट इज एलिंग वाइफ वाज डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्रोप्रिएट रूल्स। ब्रिटिश सरकार जब ये कहती है कि हमने ललित मोदी को सारे दस्तावेज अपने नियमों के तहत दिए हैं, तो ये मुद्दा कहाँ रह जाता? एक नॉन इश्यू को ये इश्यू क्यों बना रहे हैं? और जब ये तय हो जाता है कि वो नियमों के अनुसार दिए गए थे तो बाकी के सारे प्रश्न निरर्थक हो जाते हैं, बेमानी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये विषय उठा रहे हैं। आज खड़गे जी ने कहा कि मेरे परिवार के लोग उसके वकील हैं, इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सभापति जी, मैं यहाँ खड़े होकर कहना चाहती हूँ, मेरे पति ललित मोदी के पासपोर्ट केस में
वकील नहीं थे। और जहाँ तक मेरी बेटी का सवाल है, मेरी बेटी 9वें नंबर की जूनियर थी, 9वें नंबर की ये केस की अपीयरेंस लिस्ट लाई हुई। इस अपीयरेंस लिस्ट में 11 वकील हैं, 11। पहले हैं मिस्टर पराग त्रिपाठी जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिसको उसने वकील किया, जिसका वो क्लाइंट बना। उसके बाद अनूप बोस, ऋषि अग्रवाल, स्वदीप हुडा, मेनका, अभिषेक सिंह, रोहित गुप्ता, उमंग गुप्ता 9वें नंबर पर वास्तविक कुणाल बहारी और विवेक। 9वें नंबर के जूनियर को कोई एक पैसा भी देता है? एक रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इस वकालत के लिए, इस केस के लिए हासिल नहीं किया। वो अपने सीनियर के साथ अपीयर हुई, जूनियर, वो भी 9वें नंबर की। लेकिन कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये मैं इन्हें बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पी चिदंबर वित्त मंत्री होते हैं और उनकी पत्नी नलिनी चिदंबरम को उनका अपना विभाग इनकम टैक्स की तरफ से वकालत वकील नियुक्त करता है। और जब राज्यसभा में विषय उठता है, अन्ना डीएमके के एन ज्योति इस विषय को उठाते हैं, तो चिदंबरम सदन में आकर स्वीकार करते हैं, पर क्या कहते हैं? द मिनिस्टर मेड अ स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड इन द लोकसभा, द मिनिस्टर इज मिस्टर पी चिदंबरम रिपीटिंग दैट व्हाट ही हैड सेड इन द राज्यसभा ऑन यस्टरडे, दैट ही हैड नो नॉलेज ऑफ द आईटी डिपार्टमेंट्स डिसीजन टू अपॉइंट हिज वाइफ एज ए स्पेशल काउंसिल। Until he received the notice submitted by Anna DMK MP and Jyoti in this regard to the chairman of Rajya Sabha, on court statement on court, I believe that none of my respected colleagues in the house would seriously think that had the matter been brought to my notice, I would not have allowed to proceed it further, he said. Yani, स्वीकार करते हैं कि ये हुआ है, लेकिन कहते हैं मुझे तब तक पता नहीं था जब तक ज्योति ने बताया नहीं। और कहते हैं कि मेरे साथी ये स्वीकार करेंगे कि मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता, यानी खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं। गुनाह स्वीकार करते हैं और खुद ही खुद को बरी कर लेते हैं, एक बार नहीं। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब पी चिदंबरम वित्त मंत्री होते हैं और नलिनी चिदंबरम शारदा स्कैम में, जिसकी फाइल वो वित्त मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उस शारदा स्कैम में 1 करोड़ रुपया लेकर के ड्राफ्ट लेकर उठाया था। तृणमूल कांग्रेस ऑन थर्सडे ड्रैग फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम इनटू द अनफोल्डिंग शारदा स्कैम बाय क्वेश्चनिंग द पेमेंट ऑफ मोर देन रुपीस 1 करोड़ टू हिज वाइफ बाय सुदीप्तो सेन द डिस्ग्रेस्ड चेयरमैन ऑफ द बस्ती चिट फंड मूविंग एग्रेसिवली टू कंटेन द पॉलिटिकल फॉल आउट फ्रॉम द अनवेवलिंग ऑफ शारदा इन विच थाउजेंड्स हैव पुट इन देयर मनी ममता तृणमूल कांग्रेस आस्क्ड चिदंबरम टू क्लैरिफाई द लिंक्स ऑफ हिज वाइफ चेन्नई बेस्ड सीनियर लॉयर नलिनी चिदंबरम विद द शारदा स्कैम। मेरे केस में कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पति ने एक नया पैसा इस पासपोर्ट केस में मेरे ललित मोदी से नहीं लिया। मेरी बेटी 9वें नंबर की जूनियर थी, एक नया पैसा उसे इसमें नहीं मिला। मेरा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पी चिदंबरम का है जब नलिनी चिदंबरम पैसे लेती। दूसरा सवाल, मुझसे 7 प्रश्न किए हैं खड़गे जी ने, उन 7 प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं इनके उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जवाब देना चाहूंगी जो बाहर खड़े होकर वो बोलते।
सभी कहते हैं सुषमा स्वराज ने क्रिमिनल एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट, एक भगोड़े को साइन करके दे दिया। अभी अभी अरुण जी ने बताया कि वो भगोड़ा नहीं था। किसी कोर्ट ने ललित मोदी को फ्यूजिटिव एब्सकॉन्डर या भगोड़ा घोषित नहीं किया हुआ और साइन करके दे दिए। क्या साइन करके दे दिया? आप बाहर खड़े होकर के आरोप लगाते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को क्या साइन करके दे दिया? अभी खड़गे जी कहते हैं इनके परिवार के संबंध हैं, उन संबंधों के कारण ये मदद की गई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विड प्रो को, वो क्विड प्रो को का आरोप लगा रहे हैं मुझ पर। और राहुल गांधी कहते हैं जब चोर आते हैं तो छुप छुप के आते हैं, सुषमा जी ने जो काम किया है वो छुप छुप के किया है। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। अध्यक्ष जी, अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया। अध्यक्ष जी, ये इनके अपने मुख्यमंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी। अर्जुन सिंह केवल मुख्यमंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश के, उसी पद पर थे जिस पर आज राहुल गांधी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय माँ बेटा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते थे, कोई ना कोई व्यक्ति और होता था। ये किताब है, ये किताब है इस ऑटोबायोग्राफी में उस एंडरसन के भगाने का जिक्र। अध्यक्ष जी, आप मध्य प्रदेश की हैं, आप भोपाल गैस त्रासदी से परिचित हैं, यूनियन कार्बाइड की कंपनी से रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ, 15,000 लोग मर गए। कितने? 15,000 लोग। चार दिन बाद एंडरसन वहां आए, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उनको अरेस्ट के वारंट दे दिए। राजीव गांधी तभी चुनाव के लिए वहां पहुंचे, उनसे पूछा आपने अरेस्ट क्यों कर लिया एंडरसन को? मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मैंने अरेस्ट किया। मैं यहां से इसको पढ़ती हूँ चार लाइनें। अर्जुन सिंह इज टॉकिंग टू राजीव गांधी, ही सेज आई इम्फसाइज द पॉइंट दैट आई हैड टू ऑर्डर द अरेस्ट ऑफ एंडरसन टू रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल हैड रिपोज्ड इन। राजीव हर्ड मी आउट क्वाइटली बट मेड नो कमेंट। अ लिटिल लेटर व्हाइल वी वर टूरिंग आई रिसीव्ड अ वायरलेस मैसेज फ्रॉम ब्रह्मस्वरूप इन्फॉर्मिंग मी that a top official from the Union Ministry of Home Affairs had rung him up repeatedly from New Delhi advising us to make sure that bail was granted to Anderson. Aage, aage, aage. After that, we were instructed to send him to New Delhi in a statement. मुझे फोन आया वायरलेस मैसेज और कहा उसकी तुरंत बेल होनी चाहिए और उसे स्टेट प्लेन से वापस भेजो। आगे सुनिए, ये आप ही की किताब है, मुख्यमंत्री की किताब है। अर्ली इन द आफ्टरनून एंडरसन वाज ग्रांटेड बेल अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ बाय द भोपाल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। द डीआईजी ऑफ भोपाल हु वाज सपोज्ड टू एस्कॉर्ट एंडरसन इन द एयरपोर्ट After instruction for his legal group was not in town. Consequently, सुनने की बात है, consequently this task had to be done by Swaraj Puri very discreetly, छुप छुप के। अरुण जी ने बताओ discreetly की हिंदी क्या होती है? छिप छिप के। discreetly
मंत्री की हिंदी क्या होती है? ये अर्जुन सिंह कह रहे हैं स्वराज पूरी है टू डन दिस जॉब वेरी डिस्क्रीटली. द मीडिया डिड नॉट इमीडिएटली गेट टू नो दैट एंडरसन हैड फ्लोन आउट टू भोपाल एट 1 PM टू दिल्ली एंड देन टू द USA. इट वॉज ओनली अराउंड 6 PM that the BBC reported this news, which soon created a political storm. There was a huge hue and cry, demanding to know why Anderson had been let off that leave. Anderson was thrown out of India, never to return. Anderson was thrown out of India, never to return. ये सुषमा स्वराज भाई कह रही, ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं इनके पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये कह रहे हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, छिप छिप के एंडरसन को वहां से ले जाया गया और 6 बजे भेज दिया गया ताकि वो वापस ना आ सके. अध्यक्ष जी, इसका खुलासा थोड़े दिन बाद हुआ. ये सौदा क्या हुआ था ये पता नहीं लगा. अर्जुन सिंह इसमें कहते हैं मेरे कान में राजीव गांधी ने कुछ कहा था लेकिन वो राज राज ही रहेगा, मेरे साथ चिता में भस्म हो जाएगा, मैं बोलूंगा नहीं. लेकिन वो राज पता चला. वो राजी राज कैसे पता चला? वो राज कब पता चला? 6 महीने बाद. 6 महीने बाद वो राज खुला. 6 महीने बाद वो राज खुला. वो राज क्या था? राजीव गांधी का एक बचपन का दोस्त, गांधी परिवार के एक घनिष्ठ मित्र का बेटा आदिल शहरयार अमेरिका में 35 बरस के लिए जेल में बंद था. कितने बरस के लिए? 35 बरस के लिए जेल में बंद था. और वो 35 बरस के लिए जेल कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी जब 35 बरस की जेल थी. 35 बरस की जेल के लिए बंद था. अब आप सुन लीजिए, राजीव गांधी गवर्नमेंट हैड अलाउड एंडरसन टू फ्ली एज ए क्विड प्रो को अरेंजमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑन गिविंग ए प्रेसिडेंशियल पार्डन टू वन आदिल शहरयार. ये क्विड प्रो को, ये वो राज जो अर्जुन सिंह अपने अंदर दफन करके चले गए, वो राज 6 महीने बाद खुला. और क्या आदिल फादर मोहम्मद यूनुस, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू स्पेन एंड लॉन्ग टाइम चेयरमैन ऑफ स्टेट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, वाज क्लोज टू द गांधी फैमिली. आदिल वाज गिवन अ फेडरल सेंटेंस ऑफ 35 इयर्स इन प्रिजन फॉर वेरियस क्राइम्स, वाज गिवन अ प्रेसिडेंशियल पार्डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ऑन June 11, 1985. ये वो तारीख है जिस दिन राजीव गांधी अमेरिका पहुंचे. राजीव गांधी अमेरिका पहुंचते हैं 11 जून 1985 को, 6 महीने 4 दिन के बाद. उनका वो बचपन का दोस्त मोहम्मद यूनुस का बेटा आदिल शहरयार, उसको कहते हैं राष्ट्रपति को इसको क्षमादान दे दो, और एंडरसन के बदले शहरयार को छुड़ा करके भारत लेकर आते हैं. मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं यहाँ के माननीय सांसद, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियाँ मनाने का, 2-2 महीने आप छुट्टियाँ मनाते हैं, आप जाइए किसी दिन. इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए और अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं उनको पढ़ें और लौट कर पूछें, मम्मा क्वात्रोची के उसमें हमने कितना पैसा लिया था. डैडी ने क्यों छुड़वाया था और पूछें
छोड़कर शहरयार को लाकर उन्होंने एक क्विड प्रो को क्यों किया था, मैं बताना चाहती हूँ। खड़गे जी, जो क्विड प्रो को आप कह रहे हैं, इसे कहते हैं क्विड प्रो को, जब एंडरसन को छुड़वाकर शहरयार को लाया जाता है। ये परिभाषा है क्विड प्रो को, QUID क्विड, PRO प्रो, QUO को, इसे कहते हैं क्विड प्रो को। सुषमा स्वराज ने कोई क्विड प्रो को नहीं किया। आप मुझसे पूछते हैं सात सवाल। आपने मुझसे कहा कि चिदंबरम की कॉरेस्पॉन्डेंस आप शाया क्यों नहीं करती, आप पब्लिक क्यों नहीं करते। अध्यक्ष जी, चिदंबरम ने कोई चिट्ठी NDA को बताई हो तो मैं शाया करूं। आज मैं देश को बताना चाहती हूं, चिदंबरम ने अपनी एक भी चिट्ठी NDA को नहीं दी, और NDA को बाईपास करके वो चिट्ठी लिखते रहे अपने समकक्ष विदेश मंत्री ब्रिटिश, जिसको कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर को चिट्ठी लिखते रहे। हमें तब पता चला, उनके वित्त मंत्री, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जो इनके समकक्ष हैं, वहाँ चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं उसे, उसको इन्होंने पत्र लिखा। जब उसका जवाब आया प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्रालय में, तब हमें पता चला चिदंबरम ने कोई चिट्ठी लिखी थी। और क्या लिखी, कि आप उसको डिपोर्ट कर दो। चांसलर विक्षेकर ने कहा कोई हमारे पास रास्ता डिपोर्टेशन का नहीं है, आप एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डाल दो। दोबारा फिर चिट्ठी लिख दी कि एक्स्ट्राडिशन नहीं चाहिए, डिपोर्टेशन चाहिए। आप जानती हैं देश की साख कितनी गिरी। चिदंबरम के चिट्ठी का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा वहां के वित्त मंत्री ने। उसने वो चिट्ठी, वहां के वित्त मंत्री ने वो चिट्ठी विदेश मंत्रालय को दे दी कि ये तो ऐसी चिट्ठियां लिखता रहता है, अपने राज्य मंत्री को कहो भारत के विदेश राज्य मंत्री को चिट्ठी लिख दे। और ये चिट्ठी है मेरे पास जो परनीत कौर को आई। वित्त मंत्री की चिट्ठी का जवाब उनके विदेश राज्य मंत्री अपनी समकक्ष परनीत कौर को देते हैं। ऑस्बर्न ने जवाब देना बंद कर दिया, उनको लगा ये लगातार ऐसी चिट्ठियां लिखते रहते हैं। कौन सा पत्राचार, कौन सी कॉरेस्पॉन्डेंट, उसमें उनके वित्त मंत्री लिखते हैं, और यूके असिस्टेंट
process to be provided in any criminal investigation, an extradition request should be made under the usual mechanisms for international judicial cooperation. We will then, of course, provide full assistance so far as UK law is concerned. अध्यक्ष जी, बार-बार यूके कह रहा है, हमें एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट भेज दो, हम उसको वापस भेज देंगे, लेकिन एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं भेजते, डिपोर्टेशन की बात करते हैं, और उसके बाद जब दोबारा ये चिट्ठी लिखते हैं, तो वो चिट्ठी विदेश राज्य मंत्री को कह देता, तू जवाब दे दे, मैं जवाब नहीं दे सकता, ये तुमको तो आदत पड़ गई चिट्ठियां लिखने की, और उसके बाद ये परनीत कौर को जवाब आता है, परनीत कौर चिदंबरम की चिट्ठी का जवाब परनीत कौर को आता है, चिदंबरम को चिट्ठी लिखना गवारा नहीं करता उनका समकक्ष मंत्री, और उनको वो फिर लिखते हैं, माय लेटर रिफर्स टू द मोस्ट रीसेंट कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिस्टर पी चिदंबरम डेटेड 28th ऑगस्ट द चांसलर ऑफ एक्सचेकर रिक्वेस्टिंग द डिपोर्टेशन ऑफ पंडित मोदी एंड जैसे हम डिपोर्ट नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, मुझसे सवाल पूछते हैं खड़गे जी, उसे राइट ऑफ रेजिडेंसी कैसे मिला? अरे कौन किससे पूछ रहा है भैया, राइट ऑफ रेजिडेंसी अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनने पर थोड़ी मिला, राइट ऑफ रेजिडेंसी तब मिला जब तुम्हारी सरकार थी 4 साल। ये सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, मैं प्रश्न करती हूँ आपसे, राइट ऑफ रेजिडेंस उसे क्यों मिला ये आप बताओ ना, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? इसके बाद पूछते हैं अपील क्यों नहीं फाइल की गई, अपील क्यों नहीं फाइल की गई, अपील इसलिए नहीं फाइल की गई, अपील इसलिए नहीं फाइल की गई क्योंकि जो केस यहाँ डाला गया था वो इस कारण से खारिज हुआ कि ईडी 4 साल तक निष्क्रिय रहा, उसने कोई कार्रवाई ललित मोदी के खिलाफ। अध्यक्ष जी, ये जजमेंट में से पढ़ रही हूँ, वी फाइंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 16(3) ऑफ सेमा which was registered on 16/9/2010 has been followed by a show cause notice 80/29/2010 which essentially requires the appellant to show cause as to why an inquiry should not be held. The matter has not progressed beyond that stage. Show cause notice dene ke baad 4 saal tak 1 inch bhi case nahi khiska. Nothing has been brought to our notice to indicate that the adjudicating authority has formed any opinion that an inquiry should be held or that an inquiry has been held. इसलिए अपील फाइल नहीं हुई क्योंकि आपने केवल शो कॉज नोटिस दिया, 4 साल तक 1 इंच भी कार्रवाई नहीं हुई और इस कारण से उन्होंने उसका पासपोर्ट वापस कर दिया। अब जब अरुण जी आए, जब अरुण जी आए तब इन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की है, अब ये लोग कार्रवाई करेंगे तो कहीं दोबारा से केस चालू होगा। और मैं आपको बता दूं, जहाँ तक एमईए का सवाल है, 3 तरह के केसेस होते हैं। एक केस होता है जो हम खुद फाइल करते हैं, जो पासपोर्ट का ऑफेंस होता है, उसमें अगर हम हार जाते हैं तो अपील हम करते हैं। एक होता है जहाँ ईडी एफआईआर करता है, वहाँ अगर हम किसी ईडी के कारण हार जाते हैं तो वो हमें कहते हैं अपील करें। तीसरा सीबीआई का होता है, अगर सीबीआई केस हार जाती है और हमें कहती है तो हम अपील करते हैं। सीबीआई 2 केस कोयला घोटाले में हारी, किसमें? कोयला घोटाले में सीबीआई ने हमें नहीं कहा अपील दायर नहीं। से कहना चाहती हूँ अपील फाइल नहीं हुई आपके कारण, राइट ऑफ रेजिडेंसी उसे मिला आपके कारण, वापिस वो क्यों नहीं लाया जा सका आपके कारण, क्योंकि आपने एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली। आप मुझसे पूछते हो कि मैंने उसकी मदद की? अध्यक्ष जी, 38 साल से राजनीति में हूँ, 38 ईयर्स, 38 साल से जिस मर्यादा और संयम से राजनीति की है वो तपस्या जैसी चीज होती है, तपस्या जैसी।
राजनीतिक सफर की, एक तिल भर दाग नहीं लगा मेरे दामन पे, एक तिल भर दाग धब्बा नहीं लगा। आज जीवन के इस पड़ाव पे आकर के मैं अपनी तपस्या भंग करूंगी। ये मुझसे किन चीजों का सवाल मांग रहे हैं? इन सारी चीजों के गुनहगार ये स्वयं हैं। खड़गे जी, आपके सातों के सातों सवाल का जवाब ये है। चिदम्बरम ने कोई चिट्ठी मुझे नहीं लिखी एमईए को जो मैं शाया करती। आपने एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट नहीं डाली, यूके कहता रह गया लेकिन आपने नहीं डाली। आपके ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, चार साल तक वो चुपचाप करके बैठे रहे, और क्यों बैठे रहे ये भी बता दूं। इस केस पर कांग्रेस नेतृत्व को बटा हुआ था, एक खेमा चाहता था ललित मोदी के खिलाफ कार्रवाई हो, दूसरा खेमा चाहता था नहीं, जो चाहता था कार्रवाई हो उसका नेतृत्व चिदंबरम स्वयं कर रहे थे। उस खेमे में और कोई नहीं था, वो अकेले थे, इसलिए वो कोई भी प्रक्रिया नहीं निभाना चाहते थे। उन्होंने एक पल्ला पकड़ा वित्त मंत्री यूके का कि डायरेक्टली खतों खिताबत करके, डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डेंस करके मैं केस को आगे बढ़ाऊं। अगर ईडी को कहते तो नेतृत्व रोक देता, एक्स्ट्राडिक्शन का रिक्वेस्ट डालते तो पता चल जाता। इसलिए अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला, और आज भी इनको पट्टी वही पढ़ा रहे हैं, इनको गुमराह वही कर रहे हैं। ये सातों सवाल जो खड़गे जी ने पूछे, ये चिदम्बरम ने लिख के दिए, वो मीडिया में भी पूछ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि संसद में खड़े होकर जवाब दूं। जो कहते हैं ना, नेशन वॉन्ट्स टू नो, मेरा राष्ट्र यहाँ जहाँ हर दल के प्रतिनिधि बैठे। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी ये सत्र नहीं निकलना चाहिए। मैं वेंकैया जी से कह रही थी किसी भी विधा के तहत चर्चा करा लो, लेकिन मुझे बोलने का अवसर दो ताकि मैं बताऊं गुनहगार ये हैं, गुनहगार मैं नहीं हूं। चाहे आज मुझे शोर शराबे नहीं बोलने का मौका मिले, मैं चाहती थी कि सारी बात को शाइस्तगी से शालीनता से यहाँ रखूं। खड़गे जी अपने आप तो बोल के चले गए और मेरे समय में इन सबको शोर शराबा करने के लिए खड़ा कर दिया, पर धन्यवादी हूँ आपकी, कम से कम इनके शोर शराबे में आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपना पक्ष रख सकी। बहुत बहुत धन्यवाद।